हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इन टूल की हेल्प से ही हम फ़ोटोशॉप में काम करते हैं। जो भी काम, जैसे लोगो बनाना या इमेज के कोई इफ़ेक्ट लगाना या इमेज के ऊपर आप कुछ अपनी तरफ से कलर्स वगैरह देना चाहते हो या कुछ भी बनाना चाहते हो, तो वो इन टूल्स की हेल्प से होता है। अपनी क्रिएटिविटी आप इन टूल की हेल्प से दिखा सकते हो। तो ये वीडियो ओनली फॉर बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल भी फोटोशॉप के बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं फाइल में, फाइल के अंदर आता है न्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे न्यू में गए, यहाँ पे मैं एक, जैसे जो भी कभी हम किसी चीज़ कोई भी काम करते हैं तो हम फोल्डर बनाते हैं, वहाँ पे फोल्डर का नेम देते हैं, तो यहाँ पे हम अपने ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नेम देंगे। अभी मैं यहाँ पे न्यू के नेम से ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ देनी है, अभी 500 ही दे देती हूँ, और हाइट भी 500 ही दे देती हूँ। ठीक है, मैंने इसे फिर यहाँ पर ओके कर देना है। जी, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे राइट में आप देखेंगे ये होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है। ये यहाँ पे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो लेयर हमारी बन के आई है ये बैकग्राउंड की है। ये जो आप वाइट बैकग्राउंड देख रहे हैं ये इसकी लेयर है जिसमें जो लॉग्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टूल्स के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास मूव टूल। ठीक है, ये मूव टूल काम करता है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। जैसे कुछ भी हमने बनाया है इसमें, तो उसको मूव कराना है, किधर भी हम मूव कराना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली। ठीक है, ये शेप ले लिए, अब मैं चाहती हूँ ये शेप को मूव करना। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी इस टूल को, मूव टूल को, और यहाँ पे मूव करा दूंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मूव हो गया, किसी भी तरफ मूव कराना चाहते हैं मूव हो गया। ठीक है, कि जिधर भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ये है मूव टूल का काम। अब इसके बाद आता है मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। तो इसके लिए, इस टूल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सेलेक्ट करता है एरिया बेसिकली। इसको करने के लिए किसी भी चीज़ को, मान लो आपको दो इमेज हैं उसमें एक को कट करना है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास शेप है, इसको हम शेप बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा आइकन आ रहा है, तो ये पहचान है, ये शेप है। ठीक है, शेप को हमने लेयर में कन्वर्ट करना है। तो लेयर करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, रेस्टेसाइज लेयर का ऑप्शन आ रहा है, रेस्टेसाइज कर दिया। रेस्टेसाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने, ये मेरे टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इससे मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप में जो डिलीट का बटन है वो दबा देना है। जैसे ही मैंने दबाया, देखिए डिलीट हो गया। अब ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं, ये सिलेक्शन आ रही है, इसको कंट्रोल डी की हेल्प से मैं हटा दूंगी। हट गई। तो इस सिलेक्शन का इतना काम है कि ये सिर्फ डिलीट करने के काम आता है। मैं अगेन आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने साइड से मान लो थोड़ा सा सेलेक्ट किया, अब इसको मैंने कट करना है, तो मैंने डिलीट दबा दिया और ये कंट्रोल डी से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब आपको दो टूल्स के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें आते हैं, दो टूल्स होते हैं, ये सिलेक्शन ही होती है एक तरह से, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल किसके लिए होता है, जो पर्टिकुलर एरिया आपने कुछ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, ये देखिए एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे एरिया वाइज सेलेक्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ फुल सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आता है नेक्स्ट वाला टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया एरिया। अब सेलेक्ट एरिया को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो सीधा ही डिलीट दबाऊंगी जैसे मैंने पहले किया था, तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखिए डिलीट हो गया। लेकिन अभी मैं इसको कंट्रोल जेड वापस कर लेती हूँ। ठीक है, और कंट्रोल डी से ही हट जाएगा। सेम उसका भी यही है क्विक सिलेक्शन टूल का, जहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया है अगर इसको, तो मैं कंट्रोल डी करूंगी तो ये हट।
तो इसके बाद अब आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेसो टूल। लेसो इसमें तीन होते हैं, लेसो, पॉलीगन लेसो और मैग्नेटिक लेसो। तो सबसे पहले लेसो टूल जो होता है, ये जैसे भी आपको, देखिए ये शेप है मान लीजिए ऐसे कुछ, आपको इतना एरिया डिलीट करना है, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लिया और डिलीट सेम वही डिलीट दबाएंगे, इतना एरिया डिलीट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल डी की मदद से हम इसको हटा देंगे सिलेक्शन को। अगेन कुछ मान लो हमने सेलेक्ट कर किया हुआ है या सेलेक्ट किया है अभी और इसको डिलीट करना चाहती हूँ मैं, तो ये मैंने डिलीट किया और ये डिलीट हो गया, कंट्रोल डी की हेल्प से फिर मैंने इसे भी सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से वर्क करता है ये। नेक्स्ट आता है पॉलीगन लैसो। पॉलीगन लैसो क्या करता है, जैसे जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो एक लाइन बना देता है। ये देखिए जैसे इतना एरिया सेलेक्ट किया मान लो मैंने, ये सेलेक्ट हो गया और मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब देखेंगे डिलीट हो गया, तो कंट्रोल डी की हेल्प से मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है मैजिकल मैग्नेटिक टूल। अब मैग्नेटिक टूल का कैसे करता है काम, मैग्नेटिक टूल के लिए हमें इसको क्लिक करके रखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ये उसके एजेस को सेलेक्ट कर लेता है, जो भी आपकी शेप होगी उसके एजेस सेलेक्ट कर लेगा, सिर्फ आपने क्लिक करके रखना है इसको, ये देखिए, और जहाँ पे भी आपका ख़त्म होता है वहाँ छोड़ देना है, ऑटोमेटिक इसने सारा अपने आप ही उठा लिया। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये देखेंगे आप सारा डिलीट हो गया, और कंट्रोल डी की हेल्प से इस सिलेक्शन को भी हटा दूंगी, ठीक है। अभी ये सारा मैं इसको ब्लैंक ही कर देती हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया, ठीक है। न्यू शेप ले लेती हूँ अगेन फिर से, ये मैंने न्यू शेप ले ली और इसको मैं रेस्टिसाइज कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्रॉप, क्रॉप करना है। अब मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट आ जो आपका बड़ा हो गया है और जो इनर है आप ये ग्रीन देख रहे हैं, तो ये ग्रीन अंदर की तरफ है और आप चाहते हैं कि वाइट वाला जो सेलेक्ट आपका डॉक्यूमेंट बाहर दिख रहा है ये ना दिखे, तो इसके लिए आपको क्रॉप करना पड़ेगा। इसे कैसे करना है ये देखिए, सेलेक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कर दूंगी, इसने एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैं यहीं से एंटर कर दूंगी। जैसे ही एंटर किया वो वाइट स्पेस हट गया और सिर्फ यही शेप रह गई रेक्टेंगल वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आई ड्रॉपर टूल। ये देखेंगे आप आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल जो होता है बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, कलर पिक करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलर ग्रीन रखा है, मैं एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं कलर दे देती हूँ जैसे मैंने डार्क ग्रीन, ये मेरी डिफरेंट सेटिंग्स सेलेक्ट की हुई है मैंने पहले से, ठीक है। तो ये हैं तो दोनों ग्रीन ही, बट हमें ये कलर कोड कैसे हम जानेंगे कि कौन सा कलर है, ये आप देख रहे होंगे दोनों ग्रीन है, एक थोड़ा लाइट है एक डार्क है। तो अब ये कोड को हम चेक करने के लिए, उसके लिए हम आई ड्रॉपर टूल यूज़ करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर टूल, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर सेम कलर आ गया, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने कलर कोड बता दिया कि ये कलर कोड है, ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। और जैसे ही मैं इसको दूसरे को सेलेक्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने ये वाला कलर दिखा दिया, ये कलर कोड डिफरेंट है, ठीक है। एक इसमें डिफरेंट चीज़ भी होती है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिखा देता है कलर, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो इसने देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ये देखिए, एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे आप, मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाती हूँ तो वो खुद दिखाता है, RGB कलर है, 797091 और 5, ठीक है, ये इसका कलर कोड है। जैसे ही अगर ये कलर कोड भी हम डालते हैं तो ये कलर, ये ग्रीन कलर होगा, डार्क ग्रीन। और यहाँ पे जब लाइट पे मैं लेके जाती हूँ तो ऑटोमेटिक देखो उसने चेंज कर दिया, 135, R135, G165 और B41। ये भी हम कलर कोड यहाँ से पता चल जाएगा, बट इससे आसान है कि हम यहाँ सीधा ही पिक कर लें कलर, ठीक है। तो ये आई ड्रॉपर टूल कलर पिक करने के लिए होता है, कलर कोड को पिक करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर सैम्पलर टूल, दिस इज द सेम थिंग। अब जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मार्क लग गया, ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गई, सेम ही कलर कोड उसने दिखा दिया। इस पे लेके जाऊंगी तो एक और वहां पे कलर कोड मेरे को दिखा देगा कि सेम कलर कोड है। तो ये सिंपल बस वहां पे टैग लगाने के लिए एक तरीके से, ठीक है। अब हम जाते हैं रूलर पे। रूलर क्या करते हैं बेसिकली, हमारा यहां से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का साइज कितना है। तो ये ऊपर आ रहा है 6.944। जैसे ही मान लो मैंने इसका साइज पता करना है, 1 सेकेंड, यहां से मैंने इसका साइज पता करना है, यहां से मैंने इसको किया क्लिक और ये यहां पे मैंने कर दिया एंड। तो यहां पे दिखा दिया इसने 3.292, ठीक है। इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने किया क्लियर और यहाँ से हट गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैच टूल, मतलब इसमें पैच टूल भी है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये आ गया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो फ्रेंड्स, वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो रही है, तो बाकी मैं आपको स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये सारे टूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।